जय श्री राम। जय श्री राम। जम्मू से आनंद राय। हाँ जाबू से बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल था, इन दिनों कांग्रेसी उनके सहयोगी बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, क्या सत्ता देश से बड़ी हो गई? देखिए जाबू सिंह, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं पर गर्व करती है। आप दमोह के इंटीरियर में एक बूथ का काम देखते हैं, लेकिन आपके दिल में आग क्या है? आपके दिल में आग है, ये देश बंटना नहीं चाहिए, ये देश के अंदर दरारें पैदा नहीं होनी चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में ये जो छटपटाहट है, ये जो भावना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कांग्रेस खास करके ये आदतन बांटो और राज करो, खुद में इश्यूज पर ताकत के साथ खड़े रहने के हौसला नहीं है। इसलिए समाज के कुछ लोगों को भड़का करके, एक दूसरे पर विवाद करके वो अपना उल्लू सीधा करने की आदत रखते हैं। और इसलिए हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास, हमारा मंत्र रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमने तो ये भी कहा है कि समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, इतना ही नहीं देश के हर भूभाग का भी विकास होना चाहिए, उनका हम लोगों का मंत्र रहा है। और हम लोगों को तो बचपन से सिखाया गया है कि भाई सुख बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भारत की संस्कृति भारत की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए सुख बांटने की बात वो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने रास्ता पकड़ लिया समाज बांटो। हम सुख बांटने वाले हैं, वे समाज बांटने वाले हैं। हमें सुख बांट करके हर किसी की जिंदगी में सुख लाने का प्रयास करना है, उनको समाज बांट करके खुद के परिवार खुद के नेताओं का भला करने का उनका सपना है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जब यहां पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो जरा ये हकीकत ज्यादा बढ़ा देंगे ना, छोटी छोटी चीजों में तनाव पैदा करवा देंगे, एक को दूसरे से लड़ा देंगे। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश में से हुआ, झारखंड का बिहार में से हुआ, कहीं मार काट कत्लेआम हुआ क्या? अटल जी ने सबको जोड़ करके सबको विश्वास में रख करके तीन राज्यों का निर्माण किया नहीं किया? लेकिन इन्होंने एक तेलंगाना और आंध्र का बंटवारा किया, आज भी ऐसे बीज बोए हैं कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को उन्होंने दुश्मन बना करके रख दिया है। तरीका तेलंगाना बने, इसका कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन सबका विश्वास जीत करके प्यार से समस्याओं का समाधान करके नहीं, रातों रात आग लगा दी। तो ये कांग्रेस के कारनामे, तोड़ो बांटो एक दूसरे को लड़ाओ, इसी में अपने राजनीति करते रहना। और इसलिए हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और यही अच्छा है समाज के हर वर्ग का, हमारे दल में भी प्रतिनिधित्व तो हमारे पोलिंग बूथ में भी, समाज का कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए, किसी जाति का नहीं छूटना चाहिए, बुजुर्ग हो युवा हो महिला हो कोई छूटना नहीं चाहिए, तभी बूथ मजबूत बनता है। और इसलिए हम जोड़ने के लिए चले, जोड़ते चले, और आप देखिए जोड़ने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, तोड़ने की ताकत बड़ी सीमित होती है।